तो आपके हस्बैंड को पता है कि आपके पास गन्स ये तमाम पड़ी हुई हैं घर में? हाँ, वो पता है उसको, मेरे ससुर के पास भी है, उनके पास भी तो है। मैं उनसे बात कर रही थी, बाबर भी वहीं बैठा हुआ था, ही इज अगेंस्ट गन्स। उनसे मैं कही थी आपकी जो है वो मुझे दे दे तो। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है कि आपको गन्स का शौक है और आप एक्शन फिल्म करना चाहती है, तो जो कॉमेडी और एक्शन, कॉमेडी और एक्शन, एक्शन अलग अलग कर ले, एक ही में डाल दें, जिस तरह तीफा एंड ट्रबल भी थी एक्शन कॉमेडी। यस यस, दैट वाज गुड। हां, तो बट उसके अंदर लड़की से एक्शन ही कराया। हां, मैंने एक लिखी हुई एक्शन, एक्शन आपने लिखी हुई है फिल्म? हां, आपने खुद ही लिखी है वो? ये तो एहसन रहीम साहब जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, वो अगर देख रहे हो, अक्सर बात करते रहते हैं हम लोग कि उनको एक्शन फिल्म में क्या स्क्रिप्ट चाहिए, तो ईमान के पास मौजूद है और उसके अंदर एक्शन भी भरपूर होगा। लेकिन उसके अंदर कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी चले नहीं है वो, खैर कोई मसला नहीं है। एक्शन है सर, एक्शन कर लेंगे सिर्फ। सर सुपरस्टार ना कि स्क्रिप्ट तैयार कर देने, नया चीजें होनी चाहिए, लिखना चाहिए बंदे ने जिन्ना लिया जाता है, मगर लेकिन उसके लिए पढ़ना भी जरूरी होता है। आपको है शौक रीडिंग आइडियाज? व्हाट आर यू रीडिंग दीस डेज? अलिफ शफा। हां, उसकी वो 12 minutes and something, yeah, this girl has died and now she's। और ये आपको हमेशा से था ईमान शौक रीडिंग का? ऑब्वियसली, ऑलवेज। अच्छा, कौन नहीं पढ़ना चाहता? कौन नहीं, स्कूल की बुक्स नहीं, वो मुझे नहीं पसंद पढ़ना। तो बहुत होती है तो नहीं करती रीडिंग। अच्छा, अब तो खैर नई जनरेशन में बहुत ज्यादा फोन से टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए People are more into their phones as compared to reading books. है एक phenomena आजकल। और एक और बड़ी भी है एलिफ की, वो शुरू करने है उसको खत्म करके पहले। ठीक है। 11 minutes something था, I think। जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम खिजरा जावेद है और मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने सुना है कि आपको अक्सर बॉलीवुड मूवीज से ऑफर आ रही हैं, लेकिन आपने वहाँ पर काम क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई भी नजर नहीं आता बॉलीवुड में काम करता। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरियाद हनीफ है और मेरा क्वेश्चन ईमान मैम आपसे ये है कि क्या कोई ऐसा एक्टर या कोस्टार है जिनके साथ आप दोबारा से प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेंगे? ओए, कौन हो सकता है ऐसा? मैं जवाब दूं कि नहीं? प्लीज, खुदा के लिए। हाँ जी, है ऐसे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। No, अच्छा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, काम क्या करूंगी? नहीं, चलो ठीक है, आप नाम ना लीजिए, हम वैसे अपने तौर पे गेस कर लेते हैं। जेंट्स वैरायटी है कि लेडीज वैरायटी? दैट्स अ गुड स्टार्ट। कि जेंट्स वैरायटी है कि लेडीज वैरायटी है? हां, प्लीज, जेंट्स वैरायटी है। ठीक है, जेंट्स वैरायटी है। क्या उनका नाम फे से शुरू होता है? हाँ, उनका नाम फे से शुरू होता है। दो फे है? दो फे है, दो लोग हैं। अच्छा, जो दो लोग हैं। ओ, हाँ। ये आपने हमें अच्छा बता दिया, एक नहीं है, दो लोग हैं जो हम एक समझ रहे थे, अब हम दो समझ गए। और उनमें से मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक फे की, उनका नाम फे से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन वो फवाद नहीं है। मजीद आसानी की उन्होंने। अच्छा, क्या वो आपके साथ फिल्म कर चुके हुए हैं? दोनों ही। दोनों ही, ठीक है। क्या वो बहुत एंग्री रहते हैं? हाँ। क्या एक फे तो रहता है बहुत? हाँ, हाँ, वही मैं एक का कर रहा हूँ, माशाल्लाह दो से मेरी मदद कर रही हैं। क्या एक फे का जो सरनेम है वो के से शुरू होता है? मतलब एक का? हाँ, ओके, वो जरा ज्यादा शोके हैं, तो ये दूसरा फे भी खुश शोका है। उनका नाम है फहद खान। फहद, सही किया। हाँ। दोनों को मिक्स कर दिया ना? किन दोनों को? सर मुझे दोनों नाम पता चल गए। ये क्या नाम है? फरोज खान। अच्छा, फहद मुस्तफा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने एक बहुत ही मासूमाना तरीके से गेस किया। बहुत मासूम है आप। देखिए, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स की सहारा लिया था, मगर आपने खुद मेरी हर स्टेप पे मदद की और आप बताती चली गई कि कौन कौन क्या कहे, तो आपको जवाब मिल गया। फरमाइश की है, यकीन करो जिंदगी में जो बंदा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्या लगे जी, अंदरून लाहौर मैंने देखना है। अच्छा, अब अंदरून लाहौर आपको पता है छोटी छोटी गलियां हैं। हाँ। छोटे छोटे घर हैं, तो साथ के साथ घर मिले हुए हैं। हाँ। आखिर मजबूर होके ले गया हूँ मैं, क्या आओ फिर। अच्छा, अब वो बंग सी गली है। हाँ। उसके अंदर घुसे हैं, तीसरे कदम पे फंस गए।
ला माफी चाहिए किधर हबीबी? कहना मेरी गलती नहीं है कि तेरी तो गलती क्यों नहीं? लकड़ फाल तू अरस हबीबी चाहिए किधर? कहना हालांकि मैं साह कोट के तो यहाँ नहीं करके गया। तेरी फंस गया नहीं? इन्हें साह कोट है तो नाल जी दीवार टूट गई। पर उधर से 10-15 बंदे लेके धक्का लगा के जैसे ही बाहर निकालने लगे वो कंधा कहीं लगा इनको वो विंडो के अंदर ना वो विंडो उनके घर के अंदर ही गिर गई। सर 7,000 रुपए उन्होंने मुझसे मांग लिया उस वक्त। ओके शुक्र है मेरे पास कैश था, मैंने 7,000 दे के जान छुड़ाई। अब मैंने कहा छतों से चलते हैं। एक छत पे पहला पांव रखा है, पांव सारा ही अंदर चला गया। सर यहां तक जाके फंस गया। लम यकुन मा खुताई अरे खुताई माफी। कहना मेरी गलती नहीं है। आई वो कहता मेरी जोर दिखी रखन दी। आज अभी दौर कमजोर। कहना वो छत कमजोर सी माशाल्लाह। सर जी वो सिर्फ इनका ये पांव निकालते निकालते सारी छत उधेड़नी पड़ी। सर जी उन्होंने 1,30,000 रुपए मांग लिए। उनके जी नहीं डलवानी पड़ेगी। वहां से चले वो आपको पता वो घाटी सी है जी जी, उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते अचानक कहीं स्लिप हुए हैं। वहां से जब वापसी आए हैं तो तुम पता मोटरसाइकिल उन्होंने खिला रहे हैं। 11 मोटरसाइकिल लाए गए। सर किसी का स्टैंड टूट गया, किसी का टायर विंगा हो गया। माफी खुताई, माफी खुताई। कहना वो भी मेरी गलती नहीं। वाहिद ने बनाया ना, अब सब ही किधर? कहना समझ आ गई जी सर। उठे नाल उन्होंने पैसे देते ने। अखीर नाल ने जी कहना मैंने फिर भूख लगी, मैं चढ़ाई चढ़ी। सर जी ले गए पावे की दुकान, तुम पता तो बड़ी मशहूर जी जी। 40 नान ते 72 पावे खा गए ने सर। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ। ਆ ਦਾ ਕਾਸੀਬੁਲ, ਹਾ ਦਾ ਕਾਸੀਬੁਲ ਜੀ ਸ਼ੌਤਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਸਨ? 70 ਖਾਦੇ। मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि 70 पावे खा देने, 16 विच कच्चे भी खा गए। ओ इनाले पैसे इन्ने बन गए सर, यकीन करो कि भाई मेरे को तो मुश्किल हो गया, मेरे को 32,000 रुपये कट गया। अखीर फिर हूँ इन तो नहीं सर, मैं मेरे बॉस है सन वो मैनू गिरवी रखा के कहने मैं घरों जाके पैसे भेजना। मुताबन अरे तुश होया। कहना रोटी मैं बहुत ही खाधी से तो घर जाने ही सौंगे। उस्मान बुजदार था वो तो मैं गया। फिर मैं अगू जाके पता लगे सुते पे ने। मैं क्यों 3.5 साल उत्थे भी सुते रहे नहीं, फिर मुजफ्फरगढ़ तो मेरा जेड़ा मामे दा मुंडा ना जी, ओदी कुड़ी दी शादी सी। ओके तो मैंने उस बच्ची ने स्पेशल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया। मैंने मैसेज किया कहते नाना जी तुसी जरूर आना। नाना जी कहंदी है ना मैनू। ओके मैं क्या चलो जाने बच्चियां आ गईयां ने, 3 दिन की छुट्टी लई है। लाहौरों बस से बैठा मुजफ्फरगढ़ दी, ठीक है लई है जाके बस खराब हो गई, टायर पंचर हो गया। अगो कंडक्टर कहंदा नाना जी टायर बदल लेंदे।